तो बात क्या है कि हम लोगों से जो है ना चौका लग रहा था ना छक्का, जीरो पर लगातार आउट हुए जा रहे थे। और हम लोग इंडियंस खासकर हम लोग की ये एक हमारा आदत होता है ये कि जब भी हमारी परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं जाती हैं तो हम लोग एक्सक्यूज़ देते हैं। तो एक्सक्यूज़ हमने ये दिया कि लगता है बैट ही अच्छा नहीं, इसलिए हमने खतरनाक बैट मंगवा लिया है कि शायद अब छह चौके छक्के लगे, उम्मीद ऐसा ही करते हैं। लेकिन ये बैट बहुत कमाल का है, ठीक है, ये एलेवार कंपनी का है और ये टेक्निकली बहुत ज़्यादा हाई एंड वेरियंट है, ऐसा सुनने में आया है, हमें देखा नहीं कैसा है। तो उसको खोल के देखते हैं और बताते हैं आपको इसके बारे में कि क्या क्या फीचर्स इसमें हैं, फील कैसा है इसका, वेट कैसा है, बैलेंस कैसा है, सब कुछ देखते हैं। शुरुआत इसको अनबॉक्स करते हैं अब। हालांकि आपको देखने में ऐसे अच्छा लग रहा होगा बट अच्छे से अनबॉक्सिंग ऐसे होगा, लेकिन आपको अच्छा दिखने के लिए ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। यहीं से करते हैं या यहीं से कर लूँ, यहीं से कर लूँ। ये ऑलरेडी थोड़ा सा डैमेज था, जो पैकेजिंग थी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो प्रोडक्ट है अंदर वो अच्छा हो एटलीस्ट। ओ भाई, ये निकल गया हमारा प्यारा बैट, ये एक फोम, एक बैट के ऊपर कवर भी है और कवर जो है वो एक फोम के अंदर है। कवर की क्वालिटी एक मिनट देखिए, काफ़ी अच्छी है, सच में बहुत अच्छा है, बहुत सॉलिड, वेरी नाइस। और इसको हम लोग कैरी कर सकते हैं ऐसे करके, लाइक दिस, ये यहाँ पे लूज़ करने का भी है तो ऐसे करके हम लोग कैरी कर सकते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छा है, इतना अच्छा कवर मैंने नॉर्मल किसी बैट का तो नहीं देखा है। तो प्राइस अगर लिया है तो पैकेजिंग तो कवर तो कम से कम अच्छा है। बैट देखते हैं अब कैसा है। ये हमारा निकल रहा है बैट, ज़रा इसको सामने से मैं चाहूँगा कि लोगों को दिखाएं। ग्रिप कमाल का है, ये हमारा बैट एलेवार आ गया है बाहर। वेरी नाइस, बहुत अच्छा फील है। अच्छा, देख सकते हैं यहाँ पे इस बैट में ग्रेन्स भी हैं, ठीक है। तो जिस विल्लो का यूज़ किया गया है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, मुझे लगता नहीं कि कश्मीर विल्लो होगा, लेकिन जो भी विल्लो है वो काफ़ी अच्छा है। प्लस में टो गार्ड भी है इसमें, ताकि आपका जो बैट है वो घिस नहीं जाए नीचे से, ये बहुत अच्छा है। प्लस जो सबसे खूबसूरत पार्ट है इसका बैक, और यही इस बैट को सबसे यूनिक बनाता है, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी बैट्स में नहीं होती है। तो जो अपीयरेंस वाइज तो काफ़ी अच्छा है, और सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आ रहा है इसका ग्रिप, काफ़ी अलग है, काफ़ी ड्यूरेबल लग रहा है मुझे और काफ़ी कंफर्टेबल भी है। थोड़ा सा आपको एक पफी फीलिंग देता है यहाँ पर, बहुत कम्फर्टेबल आपको लगेगा इसको होल्ड करने में। और बैट तो एकदम उसमें शैडो शॉट्स में खेल के देखता हूँ। बैट की लेंथ थोड़ी लंबी है, बहुत सही, काफ़ी बैलेंस्ड, बहुत ज़्यादा हल्का भी नहीं है कि मतलब ऐसा फील हो कि हाथ में कुछ है ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। और इसका वेट तकरीबन 1200 ग्राम है और काफ़ी बैलेंस्ड फीलिंग है, ठीक है। तो प्राइस जो इसकी है वो 2390 है, यानी कि ऑलमोस्ट 2400 रुपये, लेकिन प्रोडक्ट तो मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। अब देखते हैं कि शॉर्ट्स कैसे लगते हैं इसमें। अच्छा, यहाँ पे ये जो है तो स्वीट पोर्शन है वो है ये, आप देखते हैं इसका बैक जो देखिए बहुत ज़्यादा एजी है, यहाँ पे स्वीट पॉइंट इसका यहाँ पे है, ठीक है। और जो बॉटम पार्ट है वो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, कि कई बार इसमें ऐसा होता है कि बॉटम पार्ट काफ़ी पतला होता है, लेकिन ये भी काफ़ी बैलेंस है। तो नीचे से भी अगर शॉर्ट जाएगा तो ये कपार हो ही जाएगा, ठीक है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया ये बैट, आप बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा। और आप ख़रीदना अगर चाहते हैं तो लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे अभी ये बैट मिल नहीं रहा है, अभी अलेवार के जो का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से आपको लेना पड़ेगा, तो लिंक मैं दे दूंगा, आप चाहे तो ले सकते हैं।
अभी बताइए कि बैट आपको लगा कैसा? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ। अब हम लोग मिलेंगे सीधे ग्राउंड पे और ट्राई करेंगे कुछ शॉट्स कि आखिर सच में कैसा है ये बैट।